वेलकम बैक माई चैनल, मैं हूँ समृति। एंड आज फ्रेंड्स मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत क्या मतलब, मुझे जुकाम हो गया है। एंड कल मुझे मतलब मेरे गले में दर्द था, पर कल आज मतलब कल बोले आज सुबह वो ठीक हो गया। तो बट अभी भी मतलब जुकाम है मुझे, और अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी ठीक लग रहा है, पर सो रही हूँ ना तब मतलब नाक जाम हो जा रहा है। सो एंड आज मम्मा लाई है एग, और आज देखते हैं कौन से मतलब कौन सा अंडा का मतलब एग का क्या बन रहा है। सो चलिए पूछते हैं। तो मम्मा तो मुझे यहीं पे मिल गई हैं, और मम्मा बताओ आज आप क्या बना रहे हो, एग का कौन सा डिश? अंडे का भुर्जी। ओके, सो आज भुर्जी बनने वाला है। क्विक एंड सिंपल रेसिपी। सो हमारा पैन, और अब मैं इसको ऑन करती हूँ। और फ्रेंड्स ये हो गया हमारा गैस ऑन। एंड फ्रेंड्स अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। ये बन रहा है तुम्हारे लिए, चीनी मिनी के लिए, एंड भैया के लिए, चारों के लिए मैं बना देती हूँ। थोड़ी सी इसमें डालूंगी मिर्ची, क्योंकि बच्चों को खाना है। थोड़ा सा प्याज डाल दिया हम लोगों ने, अपने स्वाद अनुसार हम नमक डाल दिया है। इनको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। गया हमारा अंडा, अंडे का फंडा। नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते, आप थोड़ा सा किचन किंग मसाला बस। और अब हम इसे इसमें डालेंगे धनिया का पत्ता, साथ में डाल करके और इनको अच्छी तरह से चला दिए, मिक्स कर लें। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा और धनिया के पत्ते को डाल सकते हो ऊपर से, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चों को खाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर से डालें फिर से धनिया के पत्ता, क्योंकि कच्चा कच्चा तो उसका पत्ता दिखता है ना, तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं ऊपर से नहीं डालूँगी। और अब गैस को मैं कर दूँगी बंद, और ये हमारा अंडे का भुर्जी तैयार है। फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी बनने वाला है, 5 मिनट में बन चुका है। एंड ये बहुत जल्दी बना सकते हैं आप, अगर आपके पास सब कुछ कटा वटा रखा हुआ है तो आप उसको बना सकते हैं बहुत जल्दी। अगर आपके पास प्याज मिर्ची धनिया का पत्ता और सब कुछ आपके पास अगर कटा हुआ है ना, तो फिर आप उसको बस 5 मिनट्स में बना सकते हैं। एंड ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, तो मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत टेस्टी बनाई है। एंड फ्रेंड्स आप लोग ना मतलब अगर आप बिहारी हो ना, तो आप लोग ना इसको आप लोग ना एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा चावल के साथ। और मुझे ना ये चावल के साथ ही पसंद है, मतलब मुझे रोटी के साथ इतना पसंद नहीं है, पर आप लोग को मुझे नहीं पता, पर बिहारी तो हमेशा मतलब चावल के साथ ही खाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, एंड फ्रेंड्स आप लोग इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड ये बहुत जल्दी बन जाता है, सो इसमें आपको ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं आई है। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।